मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए कैंसर के मरीजों को बड़ी राहत दी है। इसमें कैंसर की 3 मुख्य दवाओं पर सीमा शुल्क को पूरी तरह खत्म करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से लाखों कैंसर के मरीजों को राहत मिल सकती है। कैंसर का नाम सुनते ही हमारे मन में एक अलग तरह का भय पैदा हो जाता है। इस बीमारी ने न केवल मरीज परेशान होता है बल्कि यह उसके पूरे परिवार को तोड़कर रख देती है। इस रोग के पीड़ित व्यक्ति शारीरिक और आर्थिक दोनों तरह से ही बर्बाद हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब इस बीमारी के इलाज में प्रयोग की जाने वाली दवाओं पर सरकार कुछ राहत देने जा रही है? जी हाँ, इस बात की घोषणा मोदी सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए की है। केंद्र सरकार के बजट 2024 में कैंसर के मरीजों को बड़ी राहत देते हुए 3 महत्वपूर्ण दवाओं पर लगे सीमा शुल्क को पूरी तरह खत्म करने का फैसला लिया है। ये फैसला उन कैंसर पेशेंट्स के लिए निश्चित ही फायदेमंद होगा जो कैंसर जैसे रोग से जूझ रहे हैं। आइए जानते हैं किन दवाओं को किया गया सस्ता और क्या है इनका इस्तेमाल। आइए जानते हैं किस किस दवाओं में हटाया गया शुल्क। सरकार ने फैसला लेते हुए जिन 3 कैंसर दवाओं से सीमा शुल्क हटाया है उनमें त्रास्तुजुमाब, डेरोक्सीतिकैन, दुवारुलाम और ऑसिमेट्रिन शामिल है। इन तीनों दवाओं में 10% सीमा शुल्क को हटा दिया गया है। इन दवाओं का इस्तेमाल शरीर में अलग अलग तरह के कैंसर के इलाज में किया जाता है। अब जानते हैं कि किस दवाई का कौन से कैंसर में होगा लाभ। त्रास्तुजुमाब डेरोक्सीतिकैन दवा का इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में किया जाता है। ये दवा नई कैंसर कोशिकाओं को बनने से रोककर कैंसर का इलाज करने में मदद करती है। दुर्वालुमाब दवा का इस्तेमाल लंग कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में मौजूद पित्त नली के इलाज में भी कारगर होती है। इसका काम हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को दुरुस्त करके कैंसर सेल्स को खत्म करना होता है। ओसिमेर्तिनिब दवा का उपयोग लंग कैंसर के इलाज में किया जाता है। ये उन रोगियों के लिए कारगर है जिनके कुछ असामान्य एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जीन होते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों को कैंसर सर्जरी द्वारा हटा दिया जाता है उनके पैच उनके दोबारा संक्रमण को रोकने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है।